Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, today we are going to start our lesson 3, Glimpses of Past, from book Honeydew. Let's start reading. Before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. तो इसमें क्या है बेटे, हमें कुछ पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस दिए गए हैं. ग्लिम्पसेस क्या होती हैं? कुछ झलकियाँ. पिक्टोरियल का मतलब है ऐतिहासिक, हिस्ट्री ऑफ आर कंट्री, जिसमें हमारी कंट्री की इतिहास को बताया गया है. किस टाइम का? 1757 से लेके 1857 तक के पीरियड का. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. तो ये पिक्चर्स हमें दिए गए हैं जो एक कॉमिक टाइप में ग्लिम्पसेस हैं, ये झलकियाँ हैं हल्की हल्की 1757 से 1857 तक की, कि हमारे देश में तब क्या हुआ था. इसमें कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ स्पीच बबल्स हैं. स्पीच बबल का मतलब क्या है? जो एज इट इज़ बातें बोली गई हैं, जो कुछ लोग हैं जो कुछ बातें बोल रहे हैं उनको बबल्स में दिया गया है. ये हमें क्या समझाते हैं कि वहाँ तब उस टाइम की कंडीशंस क्या थी जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लगी थी 1857 में. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा द मार्टियर्स. मार्टियर्स क्या होते हैं बेटे? मार्टियर्स होते हैं शहीद. तो क्या है इसमें? एज अ फंक्शन इन दिल्ली, ओ माय कंट्रीमैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टियर्स. तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि वहाँ ऊपर हैं जो वो एक वेरी वेल नोन सिंगर हैं हमारी लता मंगेशकर, वो खड़ी हुई हैं और ये कोई फंक्शन चल रहा है, कोई इवेंट है जहाँ पे सब लीडर्स हैं इकट्ठे हुए. तो वहाँ लता मंगेशकर एक सॉन्ग सुनाती हैं कि ऐ मेरे देश के लोगों, आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है बेटे ये सॉन्ग जो लता मंगेशकर ने ओरिजिनली उस समय में गाया था. मेरे देश के लो वासियों, लेट योर आईज, अपनी आँख में भर लो पानी एज़ यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस, जरा याद जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. तो सेकंड पॉइंट है बेटा हमारा द कंपनीज कंकेस्टेस. कंपनी क्या है? कंपनी उस टाइम पे ब्रिटिश जो होते थे उनकी जो गवर्नमेंट थी उनको कंपनी बोलते थे. जब अंग्रेज़ लोग थे जो भारत में आए थे तो उनको कंपनी के नाम से जाना जाता था. तो कंपनी कब आई थी? वो आई थी 1757 से लेके 1849 का पीरियड था जो वो उनका था इंडिया में. विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. तो अपने अच्छे श्रेष्ठ हथियारों के साथ, वेपन्स होते हैं हथियार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने अपना राज्य है तो था जो वो भारत में विस्तार करना शुरू किया. इंडिया 1765, तो हमें ये मैप में दिखाया गया है कब का भारत है ये 1765 का. इंडियन प्रिंसेस ब्रिटिश टेरिटरी, तो इसमें हमें मेंशन किया गया है कि जो येलो में है वो इंडियन प्रिंसेस हैं, मतलब भारत के राजे हैं, और जो पिंक में है रेड में वो ब्रिटिश टेरिटरी है. तो उस टाइम पे इतना था कि सारा मैप है जो वो हमारे इंडियन प्रिंसेस से भरा हुआ है और थोड़ा सा हिस्सा था जो वो ब्रिटिश के अंडर था. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, दैट अपस्टार्ट राजा वाह कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. अब आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक राजा बैठा हुआ है, भारत का राजा है, लेकिन वो क्या बात कर रहा है? वो कहता है कि जो भारत के जो राजा थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे. तो एक राजा क्या कहता है कि कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेज़ व्यापारियों को बुलाओ, वो मुझे उसको हराने में मदद करेंगे. वे एक राजा दूसरे राजा को हराने के लिए अंग्रेज़ों की सहायता लेना चाहता है. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. सो ऐसे जब झगड़े हो रहे थे, ऐसी लड़ाइयाँ हो रही थी जब राजाओं में आपस में, तो उस टाइम पे लोग थे जो वो बिल्कुल भी, उनको शांति नहीं थी देश में, बिल्कुल भी शांति नहीं थी. थैंक गॉड देयर इज, सॉरी,
द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाई वन। तो अब जो राइवलरीज थे, राइवलरी क्या होते हैं बेटे, राइवलरी होते हैं विरोधी। तो जो विरोधी राजा थे अब हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सहायता की ईस्ट इंडिया कंपनी की, एंड इट कुड ईजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और जो वो ईस्ट अंग्रेज तो थे वो जी यही चाहते थे, तो उन्होंने एक एक करके सभी भारतीय राजाओं को अपने अधीन कर लिया। अ फारसिंग रूलर लाइक द ब्रेव टिप्पू ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश स्टिल ही डाइड फाइटिंग। तो अब एक फारसिंग मतलब है, देखो हमने ऊपर पढ़ा था शॉर्ट साइटेड का मतलब होता है जो दूर की ना सोचता हो, और फारसिंग होता है जो दूर की सोचने वाला राजा था। जो टिप्पू सुल्तान था बहुत ही बहादुर और दूर की सोचने वाला राजा था, रूलर था वो मैसूर का, फॉट द ब्रिटिश, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा मरने तक। थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाई ठग्स। तो अब क्या था, हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कंकेस्टीज। जो भारत में जो जब ये सब चल रहा था, जो राजा लोग थे जिनको अंग्रेज़ हरा के अपने अधीन कर रहे थे, अंग्रेज़ों का राज आ गया था, तो उसके लिए भारतीयों का रिएक्शन क्या था, वो क्या क्या बातें कर रहे थे। तो ये दो पैराज हैं, जो दो पिक्चर्स हैं इनमें हम यही देखेंगे कि वो लोग आपस में क्या बातें कर रही हैं। तो एक क्या कह रहा है कि थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री, शुक्र है भगवान का कि हमारे देश में शांति है, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई युद्ध लगा है, और ना ही कोई ठग किसी को ठग रहा है। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये भगवान ही है जिसने अंग्रेज़ों को हमारे देश में भेजा। आर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारी किस्मत अब अंग्रेज़ों के साथ जुड़ गई है। तो ये तीन व्यक्ति खड़े हुए हैं पिक्चर में, तीनों आपस में ये बातें कर रही हैं। नेक्स्ट है द वाइट मैन हैज़ किल्ड आर डीथॉर्न्ड आर किंग्स, और डीथॉर्न्ड आर किंग्स। तो कुछ कह रहे हैं कि ये जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने हमारे राजाओं को सिंहासन से उतार दिया है। डी थॉन्ड का मतलब होता है थ्रॉन्ड, मतलब सिंहासन से उतार देना। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल देवर ऑफ दिस लैंड, माना कि कुछ राजा हैं जो वो अच्छे नहीं हैं लेकिन आखिरकार है तो वो हमारी धरती के ही। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम इन अंग्रेज़ों के गुलाम हो गए हैं। तो हमें ये दो पोर्शन में बताया गया है कि कुछ लोगों का मानना ये था कि अंग्रेज़ देश में आए तो अच्छा हुआ, उन्होंने हमें बचा लिया, लड़ाइयाँ बंद हो गई हैं, और कुछ जो भारतीय थे वो ये सोचते थे कि ये गलत हुआ, हमारे देश के राजा आखिर थे तो वो हमारे देश के, और अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम बन गए हैं। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, ब्रिटिश रूल 1765 से लेके 1836। अब जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था तो रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो धार्मिक जो नेता थे वो किन चीज़ों का उपदेश देने लगे, अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछात का, और चाइल्ड मैरिज मतलब बाल विवाह का। तो क्या कहता है एक भारतीय लीडर, एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन, कि जो भी सात समंदर पार जाएगा, तो जो समंदर पार करके जाएगा वो अपना धर्म खो देगा। All the misery in the world is due to women. और कुछ कहते हैं कि इस संसार में सारा दुख, सारी तकलीफ जो है सिर्फ औरत की वजह से है। The truth was that Indians had lost self-respect, the British scorned them. सच ये था कि जो भारतीय लोग थे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आत्म सम्मान था जो वो खो दिया था, और जो ब्रिटिश थे वो उनको स्कॉर्न करना मतलब क्या होता है, वो उनसे नफरत करते थे, हेट करना। तो एक अंग्रेज़ क्या कह रहा है, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, कि ये इस देश के जो लोग हैं उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, उन पे यकीन नहीं किया जा सकता, वो लोग ईमानदार नहीं हैं। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, तो एक भारतीय आके बोलता है कि हाँ योर ऑनर आप सच बोल रहे हो लेकिन मैं तो ईमानदार हूँ। बींग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वॉन्टेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबंडन देयर फील्ड्स। तो अब एक व्यापारी होने के नाते जो अंग्रेज़ थे वो जल्दी से जल्दी लाभ चाहते थे, तो उनके जो हैवी टैक्स थे उन्होंने किसानों पे लगा दिए और किसानों को अपने खेत छोड़ने पे मजबूर कर दिया। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप,
तो वो कहते हैं कि लेकिन आपके आदमी हमारी सारी फसलें तो ले गए हैं, तो हम टैक्स कहाँ से दें। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो अंग्रेज़ उसको क्या बोलता है कि तुम अभी भी इस ज़मीन पे हो, और अगर तुम नेक्स्ट तुम्हारे ऊपर अभी भी कर्जा है, अगर तुम अगले हफ्ते तक अपना कर्ज नहीं चुकाओगे तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव दैम मोर प्रॉफिट्स। अब टैक्स के अलावा जो ब्रिटिश थे वो और तरीके भी ढूंढ रहे थे जिनसे उनको और लाभ हो सके। तो एक अंग्रेज़ क्या कहता है, द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। वो कहता है कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जो सामान है जो जो इंग्लैंड में बनता है, अगर उसको भारत में लाने पर जो इम्पोर्ट आयात टैक्स लगता है, अगर वो ना लगाया जाए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। अ गुड आइडिया, ये अच्छा ख्याल है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। तो ऐसे करके जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ थे, उन्होंने भारत की जो इंडस्ट्रियाँ थी, उद्योग थे, उनको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया, उनको अपने अधीन करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय। फिर राजा राम मोहन राय आए 1772 से लेके 1833 तक। उनका क्या था, राजा राम मोहन राय अ लर्न्ड मैन फ्रॉम बंगाल अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग रॉन्ग विद द कंट्री। तो उनको समझ में आ रहा था, जो कि बंगाल से थे, और उनको सब समझ में आ रहा था कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आर सेल्स, आर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। तो उनका कहना क्या था कि हमें स्वयं को कम नहीं समझना चाहिए, हम कैपेबल हैं, मतलब हम इतने सामर्थ्य रखते हैं कि हम बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रनिंग अस। हमें सबसे पहले अपने समाज को सुधारना चाहिए, अंधविश्वास हमें विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, उसने अपनी वाइफ उमा को बताया, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ सेम। गाय अलग अलग रंग की हो सकती हैं, लेकिन वो जो दूध देती हैं वो एक ही रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द असेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। अलग अलग अध्यापक हैं जो वो अलग अलग सलाह दे सकते हैं, लेकिन उन सबका असेंस है, जो असेंस का मतलब क्या है, जो उनका निचोड़ है, वो सबका एक ही है धर्म के प्रति। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। तो वो बहुत आकर्षित थे साइंस विज्ञान की तरफ और मॉडर्न नॉलेज की तरफ, आधुनिक ज्ञान की तरफ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो उनका मानना था कि जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सुपर सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823। तो उन्होंने अपना एक न्यूज़पेपर, एक अखबार शुरू किया, लेकिन जो शक्की अंग्रेज़ थे उन्होंने उसको रोक दिया 1823 में। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, देयर ही टोल्ड दैम। तो उन्होंने क्या किया, अब वो समंदर पार गए ये देखने के लिए कि जो इंग्लैंड में गए कि वहाँ जाके देखा जाए कि जो क्या चीज़ है जो इन अंग्रेज़ों को ताकतवर बना रही है। तो वहाँ जाके उन्होंने उन्हें बोला, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स। हम आपको अपना राजा स्वीकार करते हैं, लेकिन आपको भी हमें अपनी प्रजा समझना होगा। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। और आपको समझना होगा कि एक राजा की अपनी प्रजा के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या उनकी जिम्मेदारी होती है। तो ये चीज़ उन्होंने अंग्रेज़ों को बोली। ओके बेटे, तो आज हम यहीं तक रीड करेंगे और नेक्स्ट रीडिंग वी विल डू इन आर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।